नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 16 जून दिन शुक्रवार। आगे राजनीति जुड़ी दिनभर की खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सुशील कुमार ने बताया नीतीश कुमार से नहीं संभल रहा बिहार। प्रशांत किशोर ने बताया नहीं है बिहार में भाजपा का कोई वजूद। नीतीश कैबिनेट में शामिल होने को लेकर रत्नेश सदा ने नीतीश को लेकर कह दी ये बात। क्या मोदी कैबिनेट में मोदी के हनुमान चिराग को मिलेगी जगह। नीतीश कुमार ने मांझी को लेकर किया खुलासा। अब चले बढ़ते हैं देश और प्रदेश के राजनीतिक खबरों की ओर विस्तार से। सुशील कुमार ने बताया नीतीश कुमार से नहीं संभल रहा बिहार। अक्सर सुशील कुमार मोदी बिहार में मौजूद नीतीश सरकार की मुखर होकर आलोचना करते नजर आते हैं। एक बार फिर से उन्होंने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभल रहा है और गठबंधन के मित्र एक एक कर उनका साथ छोड़ रहे हैं, इसलिए वे बिहार में समय से एक साल पहले 2024 में विधानसभा चुनाव कराने का अंतिम दांव खेलना चाहते हैं। आगे उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियरों को काम में तेजी लाने और जनवरी 2024 तक पूरी होने वाली परियोजना को प्राथमिकता देने का निर्देश देते हुए लोकसभा चुनाव समय से पहले होने की बात कही, जबकि उनकी मंशा समय से पहले विधानसभा चुनाव करा लेने की है। बराबरी में आया एनडीए तो क्या महागठबंधन का होगा नुकसान। बिहार में चुनावी दौर शुरू हो चुका है। एक तरफ जहां महागठबंधन है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए है। जहां महागठबंधन से अब जीतन राम मांझी दूर होते दिखाई दे रहे, वहीं मुकेश सहनी का फैसला भी आना भी बाकी है कि वे किस कुनबे की तरफ अपना रुख करेंगे। मुकेश सहनी महागठबंधन में ही रहेंगे या एनडीए की तरफ हाथ बढ़ाएंगे। जिस तरह ये पार्टी महागठबंधन का साथ छोड़ एनडीए में शामिल हो रहे हैं, ऐसे में महागठबंधन और एनडीए दोनों में ही मौजूद दल अब बराबरी पर आते दिख रहे हैं। पहले महागठबंधन इस रेस में आगे थी, लेकिन अब उम्मीद है कि राष्ट्रीय लोक जनता दल, विकास दल इंसान पार्टी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा एनडीए के खेमे में आने की घोषणा कर दे। कहीं ना कहीं दो भागों में बटी लोजपा भी भाजपा के गुणगान करती नजर आती है। जहां पशुपति पारस भाजपा के बखान करते दिखते हैं, तो वही चिराग पासवान भी खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते रहते हैं। यदि ये पार्टियां एनडीए में शामिल होती है तो हो सकता है कि महागठबंधन को आगामी चुनाव में नुकसान का सामना करना पड़े। हालांकि चाचा भतीजे के बीच के रार से पशुपति पारस को लेकर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। प्रशांत किशोर ने बताया नहीं है बिहार में भाजपा का कोई वजूद। अपनी राजनीतिक दिशा तय कर रहे प्रशांत किशोर ने बीजेपी पर हमला बोला है। दरअसल उन्होंने कहा है कि भाजपा का बिहार में है ही क्या, वे लोग तो जैसे तालाब में मछली ढूंढते हैं वैसे ही नेता खोज रहे हैं ताकि उसके चेहरे पर चुनाव लड़ सके। वहीं पीएम मोदी की बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर जो वोट हैं वो तो हैं ही, इसके इतर राज्य में भाजपा का ऐसा कौन सा चेहरा है जिसके नाम पर उन लोगों को 5 वोट भी मिल जाए। वहीं उन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा कि बिहार के किस भाजपा नेता के नाम पर 5 वोट भी मिल सकता है। वहीं भाजपा के पूर्व अध्यक्ष पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि इससे पहले बिहार में भाजपा के जो अध्यक्ष थे वे जब दूसरे दल से लड़े तो उनको सिर्फ 6,000 वोट मिले। इस वजह से ललन सिंह ने कहा लोकतांत्रिक व्यवस्था पर मंडरा रहा खतरा। जदयू के राष्ट्रीय महासचिव सह राष्ट्रीय प्रवक्ता ललन सिंह ने बीजेपी के मोदी सरकार पर जांच एजेंसी को लेकर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ईडी सीबीआई दमन के हथियार बन गए हैं तो भाजपा वॉशिंग मशीन बन गई है। वहीं तमिलनाडु में बिजली मंत्री के घर ईडी के छापे और उनके गिरफ्तारी को लेकर कहा है कि यह भाजपा की साजिश है। आगे उन्होंने कहा कि अपने राजनीतिक विरोधियों को समाप्त करने के लिए भाजपा अब खुलकर सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करने लगी है। ईडी और सीबीआई से वह चुन चुनकर विपक्षी नेताओं का शिकार कर रही है। दूसरी तरफ बृजभूषण शरण सिंह जैसे इनके बाहुबली नेताओं को खुली छूट है। साथ उन्होंने कहा कि देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था पर मंडराते खतरे का दिखाता है जिसे जनता कभी स्वीकार करने वाली नहीं है। गिरिराज सिंह ने कहा दिन में ही सपना देखते हैं नीतीश। नीतीश कुमार के पीएम कैंडिडेट को लेकर भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार को लेकर कहा है कि कोई रात में सपना देखता है या दिन में ही सपना देखते हैं, किसी कारण से पहले ही सब कुछ जान जाते हैं। इनको लग रहा है कि समय से पहले लोकसभा का चुनाव करवाया जाएगा तो यह उनको सोच है। साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के मन में प्रधानमंत्री के लिए रात तो दूर अब दिन में भी सपना आने लगा है, या ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं। तेजस्वी यादव के सामने लगे मोदी मोदी के नारे। एक सरकारी कार्यक्रम का उद्घाटन करने वैशाली पहुंचे तेजस्वी यादव को विरोध का सामना करना पड़ा। दरअसल जैसे ही तेजस्वी ग्रामीण जलापूर्ति योजना के उद्घाटन के लिए वहां पहुंचे, उसी वक्त लोगों ने उनके सामने ही मोदी जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। साथ ही बाबा बागेश्वर और श्रीराम के भी जयकारे लगाने शुरू हो गए। हालांकि यह नारे लगाने के बावजूद भी तेजस्वी या फिर उनके अधिकारियों ने किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और उद्घाटन व शिलान्यास का कार्यक्रम समाप्त हुआ। मालूम हो कि तेजस्वी यादव का विधानसभा क्षेत्र वैशाली जिले में ही है जहाँ वे राघोपुर से विधायक हैं। नीतीश कैबिनेट में शामिल होने को लेकर रत्नेश सदा ने नीतीश को लेकर कह दी ये बात।
नीतीश कैबिनेट में संतोष मांझी की जगह जदयू कोटे से विधायक रत्नेश सदा ने मंत्री पद के लिए शपथ भी ले लिया। इसे लेकर रत्नेश सदा फूले नहीं समा रहे। नीतीश कैबिनेट में शामिल होने को लेकर उनका बयान सामने आया है। उन्होंने नीतीश कुमार के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा कि नीतीश कुमार हमारे लिए विश्वकर्मा के समान है। हमारा आंसू सिर्फ खुशी का आंसू नहीं बल्कि पूरे बिहार के दलित समाज का आंसू है। उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया और यह जिम्मेदारी दी है, यह बहुत बड़ी बात है। मैं उनके भरोसे पर खड़ा उतरूंगा। बता दें कि रत्नेश सदा अपना संबंध काफी साधारण परिवार से रखते हैं। उन्होंने लंबे समय तक रिक्शा चलाने का काम भी किया है और वे अपने सरल स्वभाव के कारण नीतीश कुमार के भरोसेमंद लोगों में से एक है। शायद ये भी एक बड़ी वजह से रत्नेश सदा को कैबिनेट में शामिल करने की। क्या मोदी कैबिनेट में मोदी के हनुमान चिराग को मिलेगी जगह? खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान बताने वाले चिराग पासवान को लेकर बड़ी घोषणा की जा सकती है। दरअसल मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार सियासी चर्चाओं के बीच यह खबर सामने आ रही है कि मोदी कैबिनेट में विस्तार किए जा सकते हैं, साथ ही मंत्रियों के विभागों में भी फेरबदल की संभावना बन सकती है। यदि ऐसा होता है तो चिराग पासवान को मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है, साथ ही चिराग एनडीए के साथ जाने की घोषणा भी जल्द ही कर सकते हैं। हालांकि लगाई जा रही ये अटकलें कितनी सही होगी से समय आने पर ही पता चल पाएगा। AIMIM नेता ने नीतीश कुमार पर कसा तंज। विपक्षी पार्टी के एकता अभियान को लेकर ओवैसी की पार्टी AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान का बयान सामने आया है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्षी एकता में मामला यह है कि इसकी अगुवाई नीतीश कुमार कर रहे हैं। अब उनके साथ चलने वालों को उन पर कितना विश्वास होगा? यह तो कछुए की सवारी समुद्र में है, कब तैरे और कब डूब जाए कोई ठिकाना नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार कब रहे, किनके साथ, किनसे उनकी मनोकामना की पूर्ति होगी, यह तो वही बताएंगे। मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, यह कहे हुए उनको 15 महीना भी नहीं हुआ था और फिर बीजेपी में चले गए थे, तो कब क्या होगा यह नहीं कहा जा सकता। नीतीश कुमार ने मांझी को लेकर किया खुलासा। नीतीश कैबिनेट से जीतनराम मांझी के बेटे संतोष मांझी ने इस्तीफा दे दिया। ऐसा लेकर अब नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है, जहां उन्होंने कहा है कि जीतनराम मांझी से हमने बोला था कि या तो अपनी पार्टी को जदयू में विलय कर दीजिए या महागठबंधन से अलग हो जाइए। उन्होंने विलय के बजाय महागठबंधन से अलग होने का निर्णय ले लिया और उनके बेटे संतोष सुमन ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। आगे उन्होंने बताया कि 23 जून को विपक्षी दलों की बैठक है, अगर मांझी महागठबंधन में रहते तो मीटिंग में जो भी बातें होती वह सब जाकर बीजेपी को बता देते, इसलिए हमने पहले ही कह दिया था कि पार्टी का जदयू में विलय करिए या फिर बाहर हो जाइए। महागठबंधन में मांझी जब थे तो बीजेपी के लोगों से मिल रहे थे, हमको पता था कि वह चले जाएंगे लेकिन आकर हमसे कहते थे कि कहीं नहीं जाएंगे, आपके साथ रहेंगे। समान नागरिक संहिता में धार्मिक संगठनों से विचार विमर्श करने पर KCR ने साधा निशाना। 22वें राष्ट्रीय विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता बनाने को लेकर आम जनता और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों से विचार विमर्श की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी को लेकर कई विपक्षी पार्टियां और कांग्रेस लगातार बीजेपी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आरोप लगाते हुए विपक्षी दलों द्वारा कहा गया कि विधि आयोग द्वारा उठाया गया नया कदम यह दर्शाता है कि मोदी सरकार अपनी विफलताओं से ध्यान भटका रही है। वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने भी इस समान नागरिक संहिता को लेकर अपना बयान दिया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि धर्मगुरु कहां से राजनीति में आ गए। धर्मगुरुओं को मठ में रहना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए और यज्ञ करना चाहिए, राजनीति में घुसपैठ क्यों कर रहे हैं, हंगामा कर रहे देश में। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को लेकर किया बड़ा ऐलान, राजनीति में कुछ भी निश्चित नहीं होता। इन दिनों विपक्षी एकता की मुहिम जोरों शोरों से चल रही, लेकिन विपक्षी एकता में कई ऐसी पार्टियां थी जिनके एकता पर संशय बने हुए थे। यहां सबसे बड़ा उदाहरण आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का ही है। अब इसी बीच दोनों पार्टियों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल आम आदमी पार्टी की तरफ से एक ऐसी घोषणा की गई है जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। बता दें कि आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रवक्ता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज द्वारा ऐलान करते हुए कहा गया है कि कांग्रेस यदि दिल्ली और पंजाब में 2024 का लोकसभा चुनाव यदि नहीं लड़ती है तो उनकी पार्टी भी मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव नहीं लड़ेगी। साथ ही उन्होंने दावा करते हुए यह भी कहा कि यदि 2024 में मोदी सरकार फिर से चुनकर आती है तो देश में अराजकता आ जाएगी। आगे उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी संविधान को बदल दे और अपने जीवित रहने तक वह खुद को देश का राजा घोषित कर दे। मोदी सरकार में CBI, ED और आयकर विभाग विपक्ष के नेताओं को पकड़कर जेल में बंद कर रहे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस की वजह से दिया विपक्षी एकजुटता को झटका। एक बार फिर से विपक्षी एकता को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल इस बात की जानकारी मिली है कि 23 जून को पटना में होने वाले विपक्षी एकता के महाबैठक में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव शामिल नहीं होंगे। उनकी पार्टी भारत राष्ट्र समिति के एक वरिष्ठ नेता ने इस बात की जानकारी दी है कि उनकी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी दोनों से ही अपनी दूरी बनाए रखना चाहती है। बता दें कि इससे पहले भी चंद्रशेखर राव का रुख साफ देखने को मिल रहा था। उन्होंने नीतीश कुमार से भी साफ कर दिया था कि उनकी पार्टी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनना चाहती है। इसकी बड़ी वजह उन्होंने कांग्रेस को बताया
बताया था क्योंकि तेलंगाना में उनकी पार्टी कांग्रेस को मुख्य विपक्षी दल के रूप में देखती है। एक बार फिर से राजद नेता के निकले बरबोले बोल। बिहार में अक्सर राजनीतिक नेता अपने बरबोले के कारण विवादों में घेरे में आते रहते हैं। इससे पहले भी बिहार के राजनीति में रामचरितमानस को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को विवादों का सामना करना पड़ा था। अब एक बार फिर से राजद विधायक रतलाल यादव रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि आज लोग एक दूसरे को लड़ाने में लगे हुए हैं, लोग राम मंदिर की चर्चा कर रहे हैं। इतिहास उठाकर देखिए कि रामचरितमानस मस्जिद में बैठकर लिखा गया। उस वक्त हमारा हिंदुत्व खतरे में नहीं था। जब इतने साल मुगलों ने राज किया तब हिंदुत्व खतरे में नहीं था। आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि आप सच्चा हिंदू बनना चाहते हैं तो अपने पार्टी से सभी मुस्लिमों को भगा दे, आपको तीन तलाक भी नहीं लाना चाहिए। नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव समय से पहले करवाने की आशंका जताने वाले बयान की बताई वजह। नीतीश कुमार ने एक कार्यक्रम के दौरान लोकसभा चुनाव समय से पहले कराए जाने की आशंका जताई थी। इसे लेकर विरोधी दलों ने उन्हें खूब निशाने पर लिया और राजनीतिक बयानबाजी भी देखने को मिली। अब इसे लेकर नीतीश कुमार का बयान सामने आया है। दरअसल नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव समय से पहले करवाने की जो आशंका जताई थी उसे लेकर उन्होंने कारण बताए हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि यह केंद्र सरकार का अधिकार है, लेकिन लोकसभा का अगला चुनाव समय से पहले कराए जाने की वजह कुछ और है। दरअसल बीजेपी को विपक्षी एकता से डर लग गया है और डैमेज कंट्रोल करने के लिए संभव है कि केंद्र सरकार समय से पहले चुनाव करा ले। आगे उन्होंने पिछली बातों को याद दिलाते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी 2-4 महीने पहले लोकसभा चुनाव करवाए गए थे। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी यह नहीं चाहते थे, बावजूद इसके बीजेपी द्वारा चुनाव करवा लिए गए। फिलहाल आज की राजनीति से जुड़ी खबरों में इतना ही। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन व्यूवर्स द्वारा हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया गया है उनके नाम है सिकंदर कुमार, जितेंद्र ठाकुर, दीपक कुमार, मोहम्मद सकीर हुसैन। चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार नेताओं के बड़बोल पर शिकंजा कसने के लिए राजनीतिक पार्टियों को क्या करना चाहिए? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।